सिलिकन चेक करना बताइए कि लैब में सिलिकन कैसे चेक करते हैं। सिलिकन कैसे चेक करते हैं? हाँ, लैब में ये है, देखिए हमारा 500 मिलीग्राम का वेट, 500 मिलीग्राम का वेट है ये। हाँ, हम इसको इस पे रखेंगे, इसको हम इस पे रखेंगे 500 मिलीग्राम तराजू वेट करेंगे, बुरादा वेट करेंगे 500 मिलीग्राम बुरादा वेट करेंगे। हाँ, रिंग का ये देखिए हमारा बुरादा हो गया वेट 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम बुरादा हो गया हमारा वेट जी। अभी हमारा देखिए सुई एकदम बराबर आ गई है। अब हम इसको बुरादा को लेके 100 ml वाले बीकर में, 100 ml वाला बीकर में लेंगे। 100 ml वाला बीकर में ये हम इसे 100 ml वाले बीकर में कर ले लेंगे। बुरादा को इससे झाड़ लेंगे कि इसमें बुरादा रहना जाए, इस तरीके से कायदे साफ कर लेंगे ना, जो बुरादा ना रहा इसमें। अब इसमें हम ये परक्लोरिक नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ये 3/8 का बना हुआ है, मतलब 3/8 का बना हुआ है। हाँ, मतलब 3 ml नाइट्रिक एसिड और 8 ml परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। हाँ, ये दोनों मिक्स करके बनाते हैं हम। अच्छा, ये बन जाता परक्लोरिक नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको हम इसमें 40 ml डालेंगे। 40 ml ये देखो, ये 40 ml हो गया हमारा। नहीं, 40 ml हो गया है, इसको हम इसमें डालेंगे इस तरह से, डालेंगे इसकी रिएक्शन हो जाएगी बुरादे की, मिक्स हो जाएगा, हम इसको हाफ करके रख देंगे। मिक्स हो गया है। हाँ, इसको हाफ करके वॉश प्लेट पर गर्म होने के लिए रख देंगे। आधा बचा है। अब जो इसमें ये किनारे किनारे पीला पीला सा नजर आ रहा है, व्हाइट व्हाइट जो है सारा हमारा सिलिकन सिलिकन है। हाँ, और इसे पाइप का काट रखा हूँ मैंने, पाइप का काट के, पाइप का काट के बनाया, फिंगर बनाया इस तरह से, पाइप का काट के। हाँ, इसको पकड़ के भी गर्म हो गया है। हाँ, इससे हम इसे आराम से पकड़ के, आराम से पकड़ के उतारेंगे, उतार लेंगे और इसको ऐसे रखेंगे थोड़ी ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए, और सारा सिलिकन हमारा जब तक जम नहीं जाता है, जब सिलिकन हमारा सारा जम जाएगा तब हम इसे फिल्टर करेंगे। जो भी सिलिकन है हमारा जम जाएगा उसके बाद फिल्टर करेंगे। फटाफट से लगता है। हाँ हाँ, इस तरह से फटा हुआ जम जाएगा। अच्छा, हम इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे, इसको डायलूट करेंगे, डायलूट करेंगे, डायलूट करने के बाद फिल्टर करेंगे। अब देखिए, हाँ जी, अब देखिए ये हमारा सिलिकन जो था ये ठंडा हो गया है, और देखो एकदम दूध फटा दूध की तरह जम गया है। ये देखिए दिख रहा है ना जमा हुआ, दिख रहा है, दिख रहा है, वाइट वाइट फटाफटा, वाइट वाइट जो भी है फटा दूध की तरह जम चुका है, सारा हमारा सिलिकन है, सिलिकन है। हम इसको ये ग्लॉस वुड होती है जो हमारा सिलिकन जम गया ना अंदर, देखिए ये साइड में सारा सिलिकन जम गया है, जम गया है, इसे हम छुड़ाएंगे इस तरह से। इस तरीके से छुड़ाएंगे, बढ़िया अच्छी तरह से छुड़ा लेंगे और इसको घोल देंगे। इसको हम डाइल्यूट करेंगे, इससे हम डाइल्यूट करेंगे डीएम वाटर से, डीएम वाटर से, ठंडे पानी से। इससे हमारा सिंपल सारा छूट गया और हमारा फिल्टर पेपर ना फटेगा, फटेगा भी नहीं। चलाएंगे ना हम किनारे किनारे चलाएंगे, कांच पे अगर छोटा आदमी जो है कांच
कांच पे हमारा सिलिकन बैठा हो, साफ हो जाए। इसमें हम टोटल मतलब जो भी है डाइल्यूट करने में इसको हम 60 से 70 ml पानी कम लेंगे। 60 से 70 ml पानी टोटल टोटल। ये देखिए इतना पानी हमने कर लिया, ये हमारा 60 ml 60 ml पानी है। पानी हो गया तो सॉल्यूशन 60 ml हो गया। हम इसे डाइल्यूट करेंगे फिल्टर पेपर नंबर, फिल्टर पे कितना है फिल्टर पेपर नंबर 41, ये है फिल्टर पेपर नंबर हमारा 41। इससे हम इसमें कर लिया है और हम इसको कीप करने द्वारा इसको डाइल्यूट करेंगे। इसको फिल्टर को थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे गीला कर लेंगे, फटे ना, गीला तो है मतलब पानी भी डालेंगे फटे ना हमारा फिल्टर पेपर। इसको हम भी क्योंकि अंदर रह गया ना, ये अंदर देखिए हमारा सिलिकन रह गया है अभी, इसको हम एक बार और क्या देंगे। थोड़े से पानी सिलिकन हमें जरा सा भी छोड़ना नहीं है, इसके अंदर सारा सिलिकन ले लेना है, तभी हमारी रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी। नहीं तो हमारी रिपोर्ट हमेशा गलत आएगी इसमें हम सिलिकन छोड़ देंगे तो। अच्छा अभी जो हमारा सिलिकन का फिल्टर बचा है, हमने इस हिसाब से इसको फिल्टर किया था कि हमारा 100 ml से ऊपर ना हो। अगर हम वैसे तो सिलिकन हमारा ये है, हम इसको चेक करेंगे। अगर हम चेक करना चाहें तो इससे हम क्रोम चेक कर सकते हैं, जो फिल्टर बचा है इससे हम क्रोम चेक कर सकते हैं इससे। इसलिए इसको हमने अलग कर दिया है, ये हमारा सिलिकन का आ गया है क्योंकि अभी हम सिलिकन चेक कर रहे हैं, क्रोम पे नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम इसको अच्छे तरह से नियम वाटर से एक बार फिल्टर पेपर पर वॉश कर देंगे, अभी हमारा इसको हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब 5% मतलब 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 95 ml हमारा पानी डीएम वाटर। ये कितना लेंगे हम? ये 5 ml 5 ml ये लेंगे और 95 ml डीएम वाटर लेंगे गरम। इससे हम इसे वॉश करेंगे। पंचान में एमएल लेंगे, 50 ये हमारा 45 हो गया, 45 95 में हमारा 95 ml डीएम वाटर हो गया, पूरा देखो 100 ml हो गया हमारा। हो गया, जिससे हम इसको वॉश कर लेंगे।
दो तीन बार उसको अच्छे से गर्म पानी केवल हॉट गर्म पानी से लेंगे मोटर से इसको हम से एक बार हो गया जी। अब दो तीन बार इसको केवल डीएम वाटर से गर्म से करेंगे फिल्टर कर देंगे साफ वॉश कर देंगे। इस तरह से अभी हमारा फिल्टर हो गया है देखिए इसको पूरा पानी यानी सब नीचे चला गया केमिकल हमारा केवल ये हमारा जो बचा हुआ सिल्कन बचा हुआ सिल्कन सिल्कन बचा हुआ है जो भी सिल्कन है हमारा। अब इसको हम क्रूसिबल में करके मफल वायरस में 30 मिनट तक रख देंगे 30 मिनट तक इसकी साथ चिमटी की सहायता से हम इसको पकड़ के ऐसे करके मफल फॉरेंस में रख देंगे इस तरीके से 30 मिनट तक 30 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे और वेट करेंगे ठंडा होने के बाद वेट करेंगे। हाँ हमारे इसमें 30 मिनट हो गए हैं मतलब आधा घंटा हो गया है। मफल फॉरेंस इसको निकालेंगे इसको निकाल लिया है और इसमें निकाल के इसमें ठंडा होने के लिए रख दिए इसमें। हाँ ये हमारा इसमें 15 से 20 मिनट में ठंडा हो जाएगा तब इसका वेट करेंगे। ये देखिए देसी केटल में हमारा ये चिकन ठंडा हो गया है अब हम इसका वेट करेंगे ठीक है। सिल्कन आया है उसको ये वाश ग्लास पे रख लेंगे अच्छी तरह से कुछ बल को पूरा साफ कर लेंगे कुछ बल में रहना जाए इस तरह से हम उसका वेट करेंगे। हमारा 0.025 आ गया 0.025 हाँ और 25 ऊपर से इधर मैच कर रही हमारी 6 वाली 0.0256
0.0256 ये हमारी रीडिंग आ गई ठीक है। जो हमारा सिलिकन का फैक्टर होता है फैक्टर होता है वेट इंटू 93.44 तो वेट हमारा आया है 0.0256 × 93.44 तो ये हमारा आ जाएगा 0.0256 × 93.44 ये हमारा आ गया 2.39 ये ग्राम प्रति लीटर परसेंट हो जाता है 2.39% सिलिकन है हमारा।